हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उदय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सर पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी होंगे और घर पर होंगे, राइट। और जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, माहौल बना हुआ है बेटा, आप लोग घर पे ही रहिए। हम लोग यहाँ से बैठकर सारी चीजें आपके घर तक प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट की क्लास हो, चाहे वो वोकैबुलरी की क्लास हो, चाहे वो लिटरेचर की क्लास हो, सब बेटा आपको मिलेगा, राइट। तो आज क्योंकि थोड़ा नेट इशू है, इसलिए 8:30 वाली क्लास नहीं आ रही, तो मैंने सोचा आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। प्रॉब्लम यही होती है बेटा कि जब लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग का पूरा प्रयास है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए, पढ़ाई में आपके कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेके आया हूँ, और ये सेशन भी रेगुलर चलता रहेगा। जैसे मैंने वोकैबुलरी का स्टार्ट किया है, उसमें भी पार्ट वन हो गया, उसके आगे के पार्ट्स और बन रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, केवीएस, एनवीएस, टेट, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, सुपर टेट, बहुत सारे एग्जाम है जिनमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, और वोकैबुलरी की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैंने सोचा आपका टाइम ना वेस्ट हो, एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको देते हैं ताकि कहीं से भी नॉलेज मिले, आप गेन जरूर उसे करें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं वर्ड्स लेके आया हूँ आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ, तो आप देखिए और मैं प्रयास करूंगा कि एक भी वर्ड आप भूले ना, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये क्लास कैसी रही गाइस। आइए देखते हैं। तो देखिए, जो पहला है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, जो कब्रों पर जो चीजें लिखी होती है, खुद ही होती हैं, अंकित की गई होती हैं, समाधि लेख कह सकते हैं, समाधि लेख अच्छा वर्ड है, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है उत्कीर्ण करना, खोद कर लिखना पत्थर पर कोई चीज, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेटा एपिटाफ। क्या कहते हैं, एपिटाफ। बहुत ही अच्छा वर्ड है बेटा, और आप सर्च करके देख सकते हैं, कई एग्जाम्स में ऑलरेडी ये वर्ड आ चुका है। तो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स को कहते हैं एपिटाफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा देखिए अगला जो है, अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो बहुत हाई रेट पर, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर दूसरों को पैसा उधार देता है, उसे क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो यूजरर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजरर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड यूजरर, और कई एग्जाम में पूछा गया है, राइट। मैं वही वर्ड्स उठा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं गाइस, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये वर्ड्स वोकैबुलरी का भी काम करेंगे। तो ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, तब लोगों को उधार देता है, ऐसे बंदे को कहते हैं यूजरर, ठीक है। और वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, एपिटाफ। अपने माइंड में बेटा बैठा लीजिए, रोज डेली में 10 वर्ड्स जो है, 10 वर्ड्स की क्लास लेके आऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और धीरे धीरे सब चीजें आपको लर्न भी हो जाए। अगला देखें, वन हु ईट्स मड, ऐसा व्यक्ति जो मड, कीचड़ या मिट्टी खाता है, उसे क्या कहते हैं, उसका लवर होता है, उसे खाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जियोफेजिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जियो से याद रखिए, ठीक है। जियोग्राफी पढ़ते हैं ना, जियोफेजिस्ट, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जियोफेजिस्ट, जो मड, कीचड़ या मिट्टी को खाना पसंद करता है, उसे क्या कहते हैं, जियोफेजिस्ट। इसके अलावा देखिए अगला जो है, किलिंग ऑफ बर्ड्स, ये भी बेटा ऑलरेडी कई एग्जाम्स में आया, किलिंग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं उनकी हत्या को क्या कहते हैं, एविसाइड। और एक वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ साइड वाले वर्ड्स होंगे, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ फोबिया वाले वर्ड्स होंगे, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ मेनिया वाले वर्ड्स होंगे, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ लव वाले वर्ड होंगे, तो ट्रिक से भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक रेंडमली मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको दिया जाता कि आप घर बैठे, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहना चाहिए। तो किलिंग ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं एविसाइड। क्या बोलते हैं बेटा, एविसाइड बोलते हैं, अच्छा है। तो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, एपिटाफ। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूजरर। वन हु ईट्स मर्ड, जियोफेजिस्ट। किलिंग ऑफ बर्ड्स, एविसाइड। अगला देखें, ऑब्सेशन ऑफ वाइन, ऑब्सेशन ऑफ वाइन, जिसको बिल्कुल पागलपन होता है, दीवानगी होती है वाइन की, पीने की जिसको बहुत आदत होती है, तो ऐसे ऑब्सेशन को, पागलपन को हम क्या बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा चाहत रखता है पीने की, उसे बोलते हैं डिप्सोमैनिया, ठीक है। पागलपन है, मैनिया किसी में लग जाए तो वैसे ही क्या हो जाता है, पागलपन, डिप्सोमैनिया। और ऐसे पीने वाले को बोलते हैं डिप्सोमैनिएक, जो बिल्कुल हमेशा सुबह शाम उसका मन होता है सिर्फ वाइन का ऑब्सेशन होता है, उसको पीने का ऑब्सेशन होता है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डिप्सोमैनिया, और पीने वाले को बोलते हैं डिप्सोमैनिएक। इसके और भी सुनोनी है, मैं जब वोकैबुलरी वाला मैं सेशन लेके आऊंगा उसमें बताऊंगा। इसके अलावा देखिए अगला देखिए, अ पर्सन हु प्रिजर्व द स्किन ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व करता है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, टैक्सी डर्मिस्ट। क्या बोलते हैं, टैक्सी डर्मिस्ट। अ
अच्छा वर्ड है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, राइट, आप सर्च करके देख सकते हैं। टैक्सीडर्मिस्ट, किलिंग ऑफ प्रॉफिट, जो नबी या प्रॉफिट की जो हत्या होती है, नबी या पैगंबर या इन सब की जो हत्या होती है उन्हें क्या बोलते हैं, वेटिसाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। तो किलिंग ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की हत्या वगैरह होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेटिसाइड। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को दे दूंगा, क्या बोलते हैं बेटा, वेटिसाइड। अगला देंगे स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्टडी ऑफ स्नेक्स को क्या कहा जाता है, जो सांपों का अध्ययन होता है, सर्पों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो हर्पेटोलॉजी, ऑफिडोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी भी आ चुका है इन तीनों में, तीनों ही वर्ड होते हैं इसके लिए, ये तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन में आपको हर्पेटोलॉजी मिले या ऑफिडोलॉजी मिले, हो सकता है सर्पेंटोलॉजी मिल जाए, इन तीनों में कोई भी मिल सकता है। तो ये तीनों ही वर्ड बेटा स्टडी ऑफ स्नेक के लिए आते हैं, स्टडी ऑफ स्नेक के लिए गाइस आते हैं। तो देखिए ऑब्सेशन ऑफ वाइन्स को बोलते हैं डिप्सोमैनिया, अ पर्सन हु प्रिजर्व द स्किन ऑफ एनिमल, टैक्सीडर्मिस्ट, किलिंग ऑफ प्रॉफिट, वेटिसाइड, जो नबी या पैगंबर की हत्या को क्या बोलते हैं, वेटिसाइड, स्टडी ऑफ स्नेक, सांपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी, ऑफिडोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। अगला देखें, प्रेफरिंग और एडिक्टिंग टू सनलाइट, कोई मिल गया मूवी, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, कोई मिल गया मूवी में जादू जो रहता है, देखिए उसको जब लाइट मिलती है तो उसको पावर आ जाती है, खुश हो जाता है, राइट। तो ऐसे लोग जो लव करते हैं, जिनको पसंद है धूप में बैठना है, सनलाइट को जो पसंद करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑलरेडी ये वर्ड कई जगह यूज हुआ है, तो हेलियोफाइल। और फाइल बेटा वैसे भी किसी में लग जाए, फाइल या फिल तो लव के लिए आता है, जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट, राइट। तो इस तरह के बहुत से वर्ड ट्रिक्स अभी मैं रूट वर्ड से पढ़ाऊंगा, तो अभी तो क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है, जब मैं रूट वर्ड से आपको पढ़ाऊंगा गाइस तो उस समय अलग तरीके से बताऊंगा। तो अभी आप देखिए जो प्रेफर करते हैं और या एडिक्टेड आदि होते हैं सनलाइट के, उन्हें उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेलियोफाइल, क्या बोलते हैं, हेलियोफाइल। अगला देखें डॉग्स लवर, ठीक है, वन हु लव्स डॉग्स, जो कुत्तों से बहुत प्रेमी प्रेम करता है, स्वान कुत्तों से जो बहुत ज्यादा लव करता है उन्हें क्या बोलते हैं, कैनिनोफाइल, क्या बोलते हैं, कैनिनोफाइल, कैनिनोफाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, कुत्तों के प्रेमी को क्या बोलते हैं, और बहुत से घरों में कुत्ते पले होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कुत्तों को बहुत संभाल के रखते हैं, कई बार देखते होंगे कार में कुत्ते जा रहे हैं, बहुत लोग बहुत जो एक 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 फैमिली मेंबर जो कुत्तों को समझते हैं, ऐसा प्यार दिखाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कैनिनोफाइल। तो ये देखिए 10 वर्ड हैं, लेकिन ये 10 वर्ड्स हैं, लेकिन ये हर एग्जाम में आए हुए हैं, ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप हल्के में ना लें, एक बार आप रिपीट कर लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, इसी तरह छोटी छोटी शुरुआत हम लोग करेंगे और आप पाएंगे कि अगर एक दिन में आप 10 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, 10 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, तो एक महीने में 300 वर्ड्स हो गए, वो चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, कोई भी हो बेटा, एंटोनियम सिनोनिम कुछ और नहीं, वोकैबुलरी का ही पार्ट है। तो आप किसी को ये मत देखिए वोकैबुलरी का वीडियो आएगा तो वोकैबुलरी पता चलेगी, नहीं, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से वोकैबुलरी सीख सकते हैं। तो आज जो आपने वर्ड सीखे, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव, जो कब्र वगैरह पे अंकित होते हैं जो वर्ड्स, उन्हें क्या कहते हैं, एपिटैप, यानी समाधि लेख। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसा रहता है, यूजरर, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। वन हु ईट्स मड, जो कीचड़ मिट्टी इन सब चीजों को खाता है, जियोफेजिस्ट बोलते हैं उसे। किलिंग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स की किलिंग होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एविसाइड। ऑब्सेशन ऑफ वाइन, जो वाइन वगैरह का जिसके अंदर बहुत पागलपन होता है, शराब वगैरह का, डिप्सोमैनिया बोलते हैं, पीने वाले को डिप्सोमैनियक बोलते हैं, पियक्कड़। अ पर्सन हु प्रिजर्व द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व करता है उसे टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं। किलिंग ऑफ प्रॉफिट, जो नबी या पैगंबर की जो किलिंग होती है उसको वेटिसाइड बोलते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ स्नेक्स को हर्पेटोलॉजी, ऑफिडियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी, ये तीनों ही वर्ड बेटा इसके लिए यूज हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेफरिंग और एडिक्टेड टू सनलाइट, जो सनलाइट का बहुत एडिक्टेड होता है, जो प्रेफर करता है उसे हेलियोफाइल बोलते हैं। और डॉग्स लवर को क्या बोलते हैं, कुत्तों के प्रेमी को क्या बोलते हैं, कैनिनोफाइल। ये सारे ही वर्ड्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज बेटा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस तरह की जो शुरुआत है वो आपके लिए कैसी रहेगी, आपको कैसे लगे वर्ड्स। वैसे तो मैं टाइप भी कराता हूँ, लेकिन टाइप कराने में मजा नहीं आता है जो लिख के हमें पढ़ाने में आता है, क्योंकि जब हम लिख के पढ़ाते हैं तो वो केवल हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाते हैं, कट कॉपी पेस्ट से कोई मतलब नहीं है, वही चीजें पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, एकदम सरल, एकदम सटीक और सफलता की आपको नजदीक पहुंचाएगा, राइट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।